सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो, कैसे हो मेरे लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी गैली व्लॉग्स। मैं हूं हरप्रीत सिंह। आज मेरा थोड़ा गला 3-4 दिन से बंद पड़ा था, वीडियो ये पहले आ जाना था लेकिन अब थोड़ा लेट आ रहा है। एक मिनट होल्ड, वीडियो थोड़े दिन पहले आ जाना था बट आज आ रहा है, कोई बात नहीं, तो देर आए दुरुस्त आए वो वाला बंदा है। और मैं आपको आज दिखाने वाला, मैं यहाँ से अपने ऑफिस से निकल रहा हूँ अभी एक वीडियो बनाने के लिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ DLF के फैंटास्टिक फ्लोर्स। DLF ब्रांड की बात कर रहा हूँ, मैं DLF कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं DLF ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। जनरली मैं आपको जो मेरी बिल्डर फ्लोर्स की सीरीज होती है उसमें आपको मैं इंडिविजुअल बिल्डर्स की मैं फ्लोर्स दिखाता रहता हूँ। हाई एंड से हाई एंड चीज़ें मेरे पास होती हैं यहाँ पे, मतलब आप कुछ भी चीज़ का आप सोचो, यू थिंक अबाउट इट, और वो लेवल मेरे पास है। तो वो लेवल को हमेशा मेरा जो मेन, मैं और मेरी टीम उसी पे वर्क करते रहते हैं कि सबसे बेस्ट 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 आपको कैसे मैं चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूं, और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें देख के आपको कैसे खुश किया जाए। तो यही मेरी प्रायोरिटी रहती है कि क्लाइंट को जो चीज़ देनी है टॉप नॉच दे दो, एक बार मज़ा आ जाए उसको, ताकि उसको लगे हाँ हरप्रीत सिंह ने चीज़ दी है, मज़ा आ गया, इससे बाय किया मज़ा आ गया। तो ऐसे ही आज इस सीरीज़ को मैं, इसी सीरीज़ के अंदर मैं आपको DLF के जो ब्रांडेड DLF के फ्लोर्स हैं उसके लिए मैं आज आपको मैं एक लोकेशन विजिट कराऊंगा, क्योंकि अभी उनका यहाँ पे स्ट्रक्चर इस साइड बनानी है। कोशिश करता हूँ कि मैं Phase 3 में जाऊँ, वहाँ पे आपको उनका देखूँ कि उनका स्ट्रक्चर कहाँ तक चला है, वो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा DLF Phase 2 की, फिर साइजेस नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे साइजेस मिल जाएंगे उसमें कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है। वो अवेलेबिलिटी आप देखो, नीचे जाके देखो, अगर आपकी कोई क्वेरी है नीचे दिया गया नंबर मेरे ये कॉल की कर लीजिए। मेरा नाम हरप्रीत है और प्रॉपर्टी गैलरी व्लॉग्स चैनल जो आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनको बोलूंगा कि इसको फटाफट से नीचे जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोस जो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप देख सको। और पुरानी प्लेलिस्ट जो नए जुड़े हुए हैं उनको बोलूंगा पुरानी प्लेलिस्ट लगा के देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग सकेगा कि मेरे पास किस टेस्ट की चीज़ें होती हैं, तो आप थोड़ा सा मेरा प्रोफाइल देख पाओगे कि मैं क्या चीज़ें डिलीवर करता हूँ। तो ये तो हो गई बात, ये अब चलते हैं सीधा सीधा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट रखेंगे, इन्फॉर्मेटिव रखेंगे, एंड तक देखना, आपको बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे और चलते हैं सीधा DLF Phase 2। आ जाओ, चलते हैं, आओ जी। आज से अगर 4 साल पहले की बात करूँ मैं आपसे, तो 4 साल पहले, 4-5 साल पहले गुड़गांव में हरप्रीत सिंह को कोई नहीं जानता था। आज शायद ही कोई होगा जो रियल एस्टेट करता होगा या उससे रिलेटेड होगा कि जो इस नाचीज़ को ना जानता हो, बिकॉज ऑफ जब आप ट्रांसपेरेंसी से काम करते हो, ऑनेस्टी से काम करते हो, और तब आपको आपकी पहचान आपका काम की वजह से बनती है। तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है कि जिन्होंने ये थॉट मुझे दिया है, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और जो मैं बात बोल देता हूँ बहुत क्लियर बोलता हूँ, अगर मुझे किसी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता मैं मुझे बोल देता हूँ नहीं अच्छा लगा, सॉरी मैं दिखाऊंगा नहीं। तो इस वजह से भी एक इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे कई बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ तो मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, तो मैं इसमें कोई गलत नहीं कर रहा, तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मैं डिलीवर करता हूँ आपको मैं, और यही मेरी टारगेट, मेरा गोल, मेरा यही है। I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So keep my mouth. तो ये शॉर्ट देखा ना आपने, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये मैं Phase 3 में आपको लेके आया था, जैसे आपको याद होगा, अब ऊपर आई बटन याद आ जाएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जब मैंने पहला वीडियो डाला था, जब ये DLF अपने फ्लोर्स लॉन्च कर रहे थे, उनका रेरा आया था जिस दिन, उस दिन मेरा पहला वीडियो पब्लिश हुआ था, और मैंने DLF के 500 yards के Phase 3 के फ्लोर्स दिखाए थे। अभी मैं Phase 3 में दोबारा आ गया हूँ, हालांकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं है, ये जो मैं पार्क में खड़ा हूँ इस पार्क को फेस करते हुए दोनों साइड थे, अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी एक फ्लोर की भी नहीं है, तो यहाँ के लिए मेरे से मत मांगना प्लीज़, मैं आपको जो भी दूंगा वो DLF Phase 2 में दूंगा। और मैं कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए लेके आया हूँ, कंस्ट्रक्शन कितनी फास्ट चल रही है, और मैं आपको सबसे पहले एक USP बताना चाहूँगा कि DLF एक इकलौता ब्रांड है जो बिल्डर फ्लोर्स बना रहा है विद रेरा अप्रूव्ड बना रहा है बिल्डर फ्लोर्स, वो सिर्फ एक DLF है। और इसके अंदर अगर स्पेसिफिकेशन की बात पता लग, अगर मैं आपको एक स्पेसिफिकेशन की अगर बात बताऊं, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर आप कोई भी फ्लोर ऑफ कर रहे हो, कोई भी फ्लोर की ओन करते हो, तो उसमें आपको जो नीचे एक स्टोर रूम और जो आपका सर्वेंट रूम है आपको बेसमेंट में मिलने वाला है, और जो टेरेस है वो कॉमन है सबके लिए, यूज़ के लिए है, और कुछ नॉर्म्स के साथ वो यूज़ आप कर सकते हो, और मेंटेनेंस सारा DLF एक DLF की अपनी आउटसोर्स या अपनी इन हाउस एक एजेंसी है जो इसकी मेंटेनेंस देखने वाली है,
और सबसे बेस्ट पार्ट जो इसका मुझे ये लगा कि ये इसके बाद की जो भी जैसे टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, तो उसकी टेक केयर भी DLF करेगा। हर चीज़ आपको वारंटी के साथ मिलने वाली है, इवन फ्लोर्स। तो फ्लोर्स वारंटी के साथ मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि बहुत टॉप नॉच जो बिल्डर्स यहाँ पे गुड़गांव के अंदर काम कर रहे हैं वो आपको वारंटी के साथ देते हैं, लेकिन DLF अश्योर्ड है। आप ब्रांड एक बना हुआ है जो आपको मालूम है, DLF ही है, तो जिसने लोगों को रियल एस्टेट सिखाया तो बेसिकली वही है। तो मैं उसके अभी DLF फेस 2 के अंदर जो फ्लोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो 3 ब्लॉक्स के अंदर अवेलेबल है। मैं अभी आपको वो भी साइड पे लेके जाऊंगा जो साइड आपने देखी। अभी इन्होंने इतनी इस देखो पार्क को कितना इन्होंने ग्रीन कर दिया, दोनों तरफ से आपके घर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वहाँ भी चल रही है। और ये पहला बिल्डर फ्लोर्स होंगे जिसमें आपको ये क्रेन्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्रेन्स के साथ काम किया जा रहा है और यहाँ पे पूरी शटरिंग लगी हुई है, दोनों तरफ काम पूरा का पूरा चल रहा है। और जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और पार्क के साइड पे देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, मैंने आपको थोड़े से शॉट्स दिए हैं, इस चीज़ के शॉट्स दिए हैं मैंने। तो बाकी अभी आपको मैं और लेके जाऊँगा। काम यहाँ पे फुल स्विंग से काम चल रहा है, DLF बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, पूरी नॉर्म्स के साथ काम कर रहा है और एक्चुअल प्योर लीगल फ्लोर्स आपको देखने को मिलते हैं इसके। तो साइजेस प्राइजेस सब नीचे मिल जाएंगे, थंबनेल पे भी कुछ ना कुछ जरूर डालूंगा। जो स्टार्टिंग प्राइस होता है थंबनेल पे मेरे वही होता है कि जहाँ से फ्लोर प्राइजेस स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो वो मेरे पीछे आप देखो कि वो सारे काम चल रहे हैं, यहाँ से सनलाइट बिल्कुल मेरे फेस पे आ रही है। तो ये आपको देखो क्रेन देख रहे हो, ऊपर आप क्रेन देख रहे हो, तो क्रेन के साथ काम चल रहा है, फ्लोर्स बन रहे हैं सारे 500 यार्ड्स के ये फ्लोर्स हैं और दोनों तरफ ये सोल्ड आउट हैं। ये लास्ट जो वीडियो आप देखोगे जिस दिन मेरा वीडियो पब्लिश हुआ था उस दिन ये रेरा आया था, तो उस दिन लॉन्च हुए थे, तो ये सारे सोल्ड आउट हैं। लेकिन फेज़ 2 में जो यहाँ मिस कर चुके हैं, जो इन फ्लोर्स को मिस कर चुके हैं, जो नहीं ले पाए, वो DLF फेज़ 2 के अंदर उनके पास अभी भी चांस है। साइजेस मेरे पास जो अप्रॉक्सीमेट 300 यार्ड्स वाले से लेके 400 यार्ड्स तक के आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये हो गया यहाँ का, और अभी मैं आपको एग्जैक्टली उस लोकेशन पर लेके जाऊँगा। बार बार फ़ोन बज रहे हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल अटेंड करूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो देख रहे हो क्रेन लगी हुई है आपके सामने, और किसी बिल्डर फ्लोर में आपको ऐसे क्रेन्स देखने को नहीं मिलेंगी। वो सारा काम चल रहा है इनका, पार्क के इस साइड भी और पार्क के उस साइड भी, दोनों साइड आपको क्रेन्स नज़र आती हैं। तो ये पार्क कितना ब्यूटीफुल बना दिया उन्होंने। मैंने आपको याद है आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ये पार्क देखने वाला होगा, दो मैंने आपको बोला था वर्ड्स, आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। DLF चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जब मैंने इस पार्क को दिखाया था लास्ट वीडियो, ऊपर आई बटन में उसको जाके देख लो पार्क की क्या हालत थी, नॉर्मल सा एक पार्क था। अभी इतना ब्यूटीफुल बना दिया उन्होंने, और वो देखो मतलब यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा यार सॉरी खांसी तो मैं ये दिखा रहा था कि पार्क कितना ब्यूटीफुल बना दिया उन्होंने। टाइम स्पैन आप लास्ट वीडियो और आज की डेट का वीडियो दोनों में आप कंपैरिजन कर लेना, टाइम आपके सामने होगा कि कितने कम टाइम के अंदर DLF ने क्या डेवलपमेंट करी है, ब्यूटीफुल पार्क बनाया है। जो यहाँ पे जिन्होंने फ्लोर ले लिया उनका तो बल्ले बल्ले है। तो इसी करके अगर आप कोई फ्लोर लेना चाहो, जब ये चीज़ें डेवलप करने पर आते हैं, कुछ चीज़ें डिलीवर करते हैं, तो वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं उस चीज़ को। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ग्रीनरी, इतनी ज़बरदस्त ग्रीनरी मैंने किसी DLF किसी पार्क में नहीं देखी। मैं आपको फिर यही कहना चाहूँगा, इस पार्क के फ्लोरों के लिए फ़ोन मत करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये आप बात को पॉइंट बना के रख लेना कि आप कहीं मुझे कहो कि फेज़ 3 के पार्क के सामने वाले फ्लोरों में से कुछ है तो दे दो, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो सारा कुछ सोल्ड आउट है। तो मिलेंगे आपको वो फेज़ 2 के मिलेंगे लोकेशंस। अगर आपने देखनी है तो वीडियो पे बने रहना, एंड तक आपको सारी लोकेशंस भी दिखने वाली हैं। तो वीडियो 2-5 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, जरा एडजस्ट कर लेना। चलो फेज़ 2 चलते हैं, चलें जी। तो आगे फेज़ 2 के अंदर, जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो DLF इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, तो ये मैं इस वक्त इसके के ब्लॉक के अंदर हूँ। ये रही इसकी साइट, यहाँ पे इस लोकेशन है। तो ये लोकेशन है, तो पहले देखने में प्लॉट ऐसे ही होते हैं जी, जब बनते हैं स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है फिर आसपास डेवलपमेंट शुरू होती है। और DLF जब करता है तो सारा कुछ ब्यूटीफाई कर देता है आसपास, अपनी चीज़ों को तो ब्यूटीफाई करेगा ही करेगा, वो किसी और का इंडिविजुअल किसी और का चल रहा है पीछे। लेकिन ये वाले प्लॉट जो भी आप देख रहे हो, ये के ब्लॉक के प्लॉट्स हैं और यहाँ पे इसके फ्लोर्स आने वाले हैं। तो ये फ्लोर्स आपको क्या क्या साइजेस में आएंगे मैं ब्लॉक वाइज उसको नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस ब्लॉक में क्या साइज़ की अवेलेबिलिटी पड़ी है। सब में कुछ ना कुछ बिका हुआ है, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो ऐसे मिक्स चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आप जब डिटेल में हम बात करेंगे, जब हम बैठेंगे प्रेजेंटेशन पे, तो मैं आपको फिर एक एक चीज़ बता दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप आके चीज़ों को देख सकते हो।
सबसे पहली बात आपको फिर मैं बताना चाहूँगा कि वो फ्लोर्स हैं सारे के सारे DLF ही एक ऐसा बिल्डर है जो रेरा अप्रूव्ड बिल्डर फ्लोर्स बना रहा है, दूसरा जो नॉर्म्स के साथ बना रहा है पूरे 100%, और तीसरा जिसमें आपके पास बेसमेंट के अंदर हर फ्लोर को बेसमेंट में और टेरेस पे शेयरिंग मिलती है। तो ये अभी और किसी ने किया नहीं है, तो ये चीज़ एक USP है जो आपको DLF के फ्लोर्स में देखने को मिलती है। तो DLF के फ्लोर्स के लिए चीज़ें मेरे पास, वैसे तो मेरे पास बहुत हाई एंड चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो DLF के फ्लोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये फ्लोर, ये एक आ गया, एक लोकेशन ये आ गई। आपको एरिया ज़्यादा नहीं दिखाना है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, एरिया से मैं दिखाता ही रहता हूँ। अभी मैं आपको इसके दो और जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे और फ्लोर्स पड़े हैं वो आने वाले मीन्स, तो वो वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो ये के ब्लॉक में हम खड़े हैं, तो वैसे ही आपको देखेंगे इस तरह के DLF के बोर्ड्स लगे हुए सब जगह पे, तो जैसे आपको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है लोकेशन को। तो बाकी हम तो बैठे हैं आपको दिखाने के लिए, तो आ जाइए, नीचे दिया गया नंबर है ना, नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लो और आ जाओ। मेरे खाते खाते भूख लग जाती है थोड़ी सी, नहीं सॉरी, वीडियो बनाते हैं तो भूख लग जाती है, तो ये छोटे छोटे चलता रहता है। तो मैं इसको एल ब्लॉक के अंदर हूँ, तो एल ब्लॉक के अंदर भी आपको एक प्लॉट है यहाँ पे। अब अवेलेबिलिटी किस में क्या क्या है मैं बताऊँगा, लेकिन आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। लोकेशन देखो कैसी है, चौड़ी रोड है, 12 मीटर रोड दिख रही है मुझे, और ठीक ठाक सी पीसफुल लोकेशन है। तो एक एल ब्लॉक की लोकेशन आ गई ये वाली। दूसरा, अब मैं आपको एक एम ब्लॉक की लोकेशन भी दिखाऊँगा, तो कहाँ कहाँ पे प्लॉट है अवेलेबल, मैं आपको एक एक बार लोकेशन जरूर दिखा रहा हूँ, आसपास की सराउंडिंग दिखाऊंगा। तो सारे घर बने पड़े हैं, बिल्डर फ्लोर्स और भी बन रहे हैं बट डिज़ाइनर से, तो उसके बीच में DLF भी अपने फ्लोर्स बना रहा है, बड़े अच्छे अच्छे फ्लोर बना रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ें बना रहा है। हमारे पास यहाँ पे हर तरह की फ्लोर्स होती है, हर तरह की चीज़ें होती है, बट आज का वीडियो डेडिकेटेडली DLF के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के लिए है। तो वही फ्लोर मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। फ्लोर्स तो नहीं दिखा रहा, बल्कि मैंने कंस्ट्रक्शन दिखाई है, और मैंने आपको अब लोकेशंस आपको मैं सारी दिखा रहा हूँ लोकेशंस। तो ये DLF 2 की लोकेशंस में आ जाती हैं चीज़ें, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसलिए मैं आपको लोकेशंस पे लेके आया हूँ, तो कि कहाँ कहाँ पिच कर रहे हैं, जहाँ पे आपको DLF के बोर्ड्स नज़र आएंगे तो वो भी प्लॉट्स हैं, आइडेंटिफाई करना आसान है। तो नीचे दिया गया नंबर मेरा ही कॉल कर लेना, और चलते हैं तीसरी और लोकेशन पर, तो वहाँ जाके देखते क्या है। ठीक है, आ जाओ। तो ये मैं आ गया हूँ इस वक्त DLF के प्लॉट्स के अंदर, जहाँ पे M ब्लॉक के अंदर जो प्लॉट है मैं वहाँ पे आ गया हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के बोर्ड आपके सामने लगे हुए हैं, तो ये लोकेशन अब हमारी थर्ड लोकेशन है और आखिरी लोकेशन है जहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ। Phase 2 के अंदर है, 12 मीटर रोड है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। और अब बात रह जाती है कि फ्लोर की कौन सी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी हुई है, तो ये तो देखो जी अब आपको आना ही पड़ेगा इसके लिए कि कौन सी फ्लोर की कहाँ का क्या क्या इन्वेंट्रीज क्या क्या पड़ी है, किस किस प्राइजेस में आती हैं। प्राइजेस की आप कहोगे तो रेट लिस्ट आपको इस वीडियो के अंदर एक ब्रोशर के अंदर मैं एक ब्रोशर एक एंड स्क्रीन पे आपको दे दूंगा, आप उसको पॉज करके देख सकते हो किसके क्या क्या प्राइजेस हैं। बाकी रही बात अच्छे बेस्ट, अब वो तो हो गए प्राइजेस, अब बात रहती है जी बेस्ट प्राइजेस की। बेस्ट प्राइजेस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे साथ आ सकते हो, और हम बैठ के जो भी बेस्ट से बेस्ट डील होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। डील पे रेट पे फाइट करना मेरा काम है, पसंद करना आपका काम है। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना और आ जाना, हरप्रीत मेरा नाम है, और आप आ जाना मेरे पास और बैठ के हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। और भी कोई क्वेरी हो तो कॉल करके आप उसे ले सकते हो। तो ये आप देख रहे हो सब ने यहाँ पे अपने फ्लोर्स के यहाँ पे हर जगह पे DLF ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। तो दिस इज़ द लास्ट यू नो आपकी मैंने दिखाई है, ये लास्ट हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे थी, तो ये मैं दिखा दी आपको। तो लोकेशन है आपको देखने में मुझे अच्छी लगी सारी लोकेशंस। तो ये लोकेशन 12 मीटर रोड है, बहुत प्यारी रोड है, बहुत बढ़िया रोड है। तो यहाँ से आपको ये वाला व्यू मिलने वाला है। तो अब बात आ जाती है DLF के और DLF में। तो मैंने आज जो फ्लोर दिखाए हैं वो DLF के थे, लेकिन DLF में भी मेरे पास बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। हालांकि जो DLF के फ्लोर्स हैं वो DLF में ही हैं, लेकिन ये DLF के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं जिसके लिए आज जो स्पेसिफिकली वीडियो मैंने आपको दिया है। तो यही वीडियो मैंने आपको दिया, आप इसी नोट पे मैं इसको एंड करूंगा, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि मेरे पास हर तरह के बहुत लेविश से लेविश इन्वेंट्रीज बिल्डर फ्लोर्स हाई एंड से हाई एंड चीज़ों मेरे पास होती हैं। तो DLF भी बहुत अच्छे बहुत फुली लोडेड इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आपको देने वाला है विद सारी एम्यूनिटीज़ के साथ, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया, मतलब रेरा अप्रूव्ड, हर चीज़ लीगल, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट अलॉटी आप होते हो इसके अंदर, सबसे बेस्ट है कि आप फर्स्ट अलॉटी आप ही होते हो अपने फ्लोर के, तो इसमें कोई नहीं है पीछे चेन आ रही किसी से बिक रहा है कहाँ से बिकता हुआ है, सीधा DLF ने ही अलॉट करना है और अलॉटमेंट लेटर सीधा आप लोगों के नाम पे है डायरेक्टली। तो ये समझ के चलो कि ये आपको बेस्ट चीज़ है आपके लिए। तो मिलता हूँ आपसे फिर ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हरप्रीत सिंह को,
रब रखा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। I don't wanna say anything, 'cause if I do